हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट 5 करेंगे जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस का, जिसमें हमने एक एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की हुई है जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के लिए। तो स्टॉक एक्सचेंज के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, विल लाइफ गार्ड के लिए है, और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट होगा उस एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और असिस्टेंट कंपाइलर के जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है, तो आप उस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंस दे सकते हो, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार देखे भी जाते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ हमें टेलीग्राम पर ही देनी पड़ती है, और हम आप सोशल मीडिया के थ्रू आप हमसे भी बात कर सकते हो, अपनी क्यूरीज को शेयर कर सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट इसके नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, तो आपको ये सारे के सारे जो 4 पार्ट अभी तक पढ़ा दिए हैं हमने वो आपको मिल जाएंगे। इस पार्ट के बाद उनको ज़रूर वॉच कर लेना, तो क्वेश्चन इन्हीं से बनने की पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में है। अगर आप किसी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तब भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, तो आप इनको एज ए प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पर है, देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ विच, देहरादून जो है किस सिटी की कैपिटल है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है स्टॉक एक्सचेंज के एग्ज़ाम के लिए, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए, और सोशल फॉरेस्ट वेलफेयर जो भी है वेटनरी फार्मिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर करो, देहरादून है जो कैपिटल है किसकी, उत्तराखंड की है, उत्तर प्रदेश की है, त्रिपुरा की है, अरुणाचल प्रदेश की है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, देहरादून जो कैपिटल है वो आपकी उत्तराखंड की है, ठीक है। और उत्तराखंड की दो कैपिटल हैं, टू कैपिटल्स हैं, तो उन दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओनली स्टॉक एक्सटेंट वाले कैंडिडेट्स और वाइल्ड लाइफ सोशल फॉरेस्ट्री और वेटनरी फार्मिस्ट वाले कैंडिडेट भी इस चीज़ को वहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गिर फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन, अब ऐसे भी आपको एग्जाम में आ सकता है, गिर नेशनल फॉरेस्ट जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, क्या वो केरला में है, गुजरात, जम्मू कश्मीर में है, या फिर कर्नाटका में है। तो गिर फॉरेस्ट के बारे में आपने अगर पढ़ा हो तो वो आपका लोकेट करता है आपका गुजरात में, कहाँ पे लोकेट करता है, गुजरात में आपको ये मिलेगा, ठीक है। और ये किसके लिए रिजर्व रखा है, इन चीज़ों पे आपको खुद वर्क करना है, कौन सा टाइगर है जिसके लिए इसको रिजर्व रखा है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है कि बाबर वाज बर्न इन द ईयर, जो बाबर था उसका जन्म हुआ था किस ईयर में, 4083 में, 5083 में, 6083 में, 7083 में। तो उसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 4083 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से आया है, ठीक है, इंडिया हिस्ट्री से आया है। तो क्या वो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे, सर विलियम डैनसन थे, लॉर्ड नेपियर थे, वैरन हेस्टिंग थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, सभी को पता होगा गाइस कि जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो फर्स्ट कौन थे, तो वो थे आपके वैरन हेस्टिंग, ठीक है, वैरन हेस्टिंग इज़ द राइट ऑप्शन। जिन्होंने भी अभी तक दो से जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाए तो अभी तक ठीक हुए हैं जिनके, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिसिस वर्ल्ड इन 2001, 2001 में मिसेस वर्ल्ड किसने जीता था, फर्स्ट इंडियन थी जो, सोनाली बेंड्रे थी, रेटा फेरिया थी, लारा दत्ता थी, या फिर अदिति गोइत्री कार थी। तो फ्रेंड्स, ये जिन्होंने विन किया था उस टाइम, तो वो थी आपकी अदिति गोइत्री कार, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँगा, साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ ए बॉडी स्लाइड्स ओवर ए सरफेस द फोर्सेज रेजिस्टिंग द मोशन बिटवीन दैम इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो क्या वो सेंट्रीपेटल फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं या फिर इनर्शिया है। इनर्शिया तो नहीं है, ठीक है, तो वो आपका फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, ये आपके उन एग्ज़ाम के लिए जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है उनके सिलेबस में भी ये चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है। इफ़ इन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो करेगी एट एवरी पॉइंट इन द फ्लूड रिमेन सेम, तो क्या वो फोर्स है, प्रेशर है, वेलोसिटी है, स्पीड है। अब मैं आपको बता दूं कि आपने इन चीज़ों पे वर्क क्या क्या करना है। मैं आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें बता दूं कि जो स्पीड है ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी कौन सी है, प्रेशर कौन सी, इनके एसआई यूनिट वगैरह सारा कुछ अपनी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन वेलोसिटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द ड्राफ्टिंग कमेटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसआई के एग्ज़ाम में, सॉरी यूनियन सुपरवाइजर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसको याद रखना। तो जैसा कि आपको पता है कि कल 26 नवंबर है, तो कल के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कंप्लीट हुआ था बट फोर्स में उसको 26 जनवरी को लाया गया था, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज, तो किस लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था, तो ये लिखा गया है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग एक्शन लाइक थिंकिंग, इंटेलिजेंसी, मेमोरी और एबिलिटी टू लर्न, इन चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन सा ऐसा पार्ट रहता है जो ब्रेन का इन चीज़ों के लिए, सर किसके लिए, सोचने के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए, याद रखने के लिए और चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, डेंसी फेलॉन, हाइपोथैलमस, कैरिब्रम या कंट्रोल, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि जो ब्रेन का ये पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो कैरिब्रम इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। होप सो यहाँ तक सभी के क्वेश्चन इतने जितने मैंने करवाए वो ठीक हुए हों। तो उसके बाद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि वेयर डू प्लांट्स सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम, तो प्लांट्स जो होता है वो कहाँ से सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, क्या वो फैटी एसिड से, शुगर से, अमीनो एसिड से या स्टार्च से, तो वो करता है आपका अमीनो एसिड से, ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आप इन क्वेश्चन को एक अलग से बुक रख लो, नोटबुक रख लो, चाहे छोटी सी 20 रुपये की बुक रख, नोटबुक रख लो, उसमें क्या करो आप जहाँ पे भी आप नेट पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें या फेसबुक चलाते हो या फिर कुछ नॉलेज वाली चीज़ दिखती है आप उसको वहाँ पर नोट करते रहो, ठीक है। तो जब भी एग्ज़ाम हो, से लगता है कि एग्ज़ाम कोई 1 हफ्ता के बाद है, 2 हफ्ते के बाद है, तो उस नोटबुक को ज़रूर मतलब फ्री टाइम ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, वहाँ से आप काफ़ी चीज़ें बिना थियोरेटिकली चीज़ें सीख सकोगे। और एग्ज़ाम में ये कभी नहीं सोचना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आएगा या नहीं आएगा, ठीक, इन चीज़ों के बारे में बाद में देखेंगे। इन विच फॉर्म इज़ ग्लूकोज स्टोर इन अवर बॉडी, कौन सी फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है हमारी बॉडी में, इंसुलिन में, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में या फिर फैट में, ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है हमारी बॉडी में इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ये सब इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केप्स आर ए नेटवर्क ऑफ स्कल्प्टर्ड केप्स लोकेटेड इन मुंबई हार्बर, कौन सी केप्स हैं जो नेटवर्क है स्कल्प्टर केप्स का लोकेटेड है जो कि मुंबई हार्बर में, बंदरगाह में, तो वो आपकी एलिफेंटा केप्स, इनके बारे में पढ़ लो, इलोरा के बारे में पढ़ लो, अजंता के बारे में पढ़ लो, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी क्रोमोजोम्स डस ए ह्यूमन सेल्स कंटेन, तो कितने सारे क्रोमोजोम्स होते हैं जो ह्यूमन सेल कंटेन करता है, तो वो के 6 हैं, 26 है, 46 हैं, 66 हैं, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, वो है आपके 46, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि इन विच लैंग्वेज लोकसभा डिबेट्स आर प्रिंटेड, लोकसभा का जो डिबेट रहता है वो कौन सी लैंग्वेज में उसको प्रिंट किया जाता है, क्या वो हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, या बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में उसको प्रिंट किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं उसको प्रिंट किया जाता है आपका बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है आज का, बहुजन समाज पार्टी वॉज फाउंड इन, कब इसको फाउंड किया गया था, 1925 में, 1955 में, 1984 में या 2001 में, तो इसको फाउंड किया गया था 1984 में, और किसकी एनिवर्सरी आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो आपने बताना है कि 14 अप्रैल को किया गया था, डॉक्टर अंबेडकर की एनिवर्सरी पर इसको
फ़ोन किया गया था। ठीक है, तो होमवर्क का आज क्या है आपके लिए, देहरादून की जो नेक्स्ट कैपिटल है उसके बारे में बताना है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है, बस ये बताना है। सो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ट्राई करेंगे आज डिटेक्शन सेंस टेस्ट पे भी वीडियो ज़रूर लाया जाए। ठीक है, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से प्रिपरेशन करें आप अपने एग्ज़ाम की। जो होमवर्क बोला जाता है उसका आंसर ज़रूर बताना होता है, चाहे अल्टरनेट डेट्स पे आपको ये वीडियो मिलता है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।